अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरी फूड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि बहुत ही मज़े का और जल्दी जल्दी से बन जाएगा। अक्सर ऐसा होता है ना, हमारे पास सब चीज़ें होती हैं लेकिन टाइम नहीं होता, तो हमें पिज़्ज़ा भी खाने को दिल कर रहा होता है। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग ऐसा कोई पिज़्ज़ा बनाते हैं जो जल्दी जल्दी से बन जाए, डो भी ना बनानी पड़े और इंतज़ार भी ना करना पड़े। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं पिज़्ज़े के, जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे ये होते हैं, ठीक है। आपको चिकन चाहिए और चीज़ चाहिए, साथ में जो भी वेजेस हैं आपके घर में आप वो यूज़ कर लें। मैंने शिमला मिर्च और थोड़ा सा ये टमाटर लिया है, ऑलिव्स और मशरूम्स हैं, ठीक है। हम ना दो तरह से बनाएंगे, एक तो हम लोग पैन में बनाएंगे और दूसरा हम ओवन में, ठीक है, ताकि सारे लोगों के लिए आसानी हो जाए, जिनके पास ओवन नहीं है तो वो भी बना सकें, ठीक। तो चलें शुरू करते हैं। क्या करते हैं, ये मैंने ब्रेड ले ली, ठीक है, जो कि सबके घर में पड़ी होती है। इस पर हम लगाएंगे थोड़ी सी पिज़्ज़ा सॉस, ठीक है। केचप नहीं आपने लगा लेनी, अगर आपको पिज़्ज़ा वाला टेस्ट चाहिए तो फिर आपने पिज़्ज़ा सॉस ही लगानी है। अच्छा, बहुत आसान सी इसकी रेसिपी भी, मैं अनकरीब डाल दूँगी। चलें ये होगी, अच्छे से इसको फैला दिया हमने दोनों स्लाइसेस पे, ऐसे हो गया। अब क्या करते हैं के यहाँ से शुरू करते हैं। थोड़ी सी पहले चीज़ नीचे लगा लेते हैं ऐसे। ये मैंने चेडर चीज़ और मुजरीला चीज़ दोनों ली हैं। अच्छा चलें, इसके साथ क्या करते हैं, चिकन लगाते हैं, करते हैं मशरूम्स लगा लेते हैं, ऑलिव लगा लेंगे, ठीक है। क्या करते हैं, थोड़ी सी बेल पेपर लगा देते हैं इस पर, टोमेटोज एंड पे फिर पी चीज़ लगा देते हैं इस पर ऐसे। इसको मैंने ओरिगानो चला गया, साथ में चिली फ्लेक्स, ठीक है, इसको साइड पे कर देते हैं। ये हमने पैन में बनाना है इसको, ठीक है। और ये मैंने बाउल ले लिया, जो आपके ओवन में जो है उसके लिए ठीक हो, ठीक है। वो आपने बाउल लिया, उसमें मैंने ब्रेड रखा, इसको भी हम लोग उसी तरह सब चीज़ें लगा लेते हैं। इस पर चलिए जनाब पिज़्ज़ा सॉस इस तरह से। मेरे पास छोटा बाउल था तो इसलिए मैंने दो इसमें एक और एक आधा स्लाइस रखा, आपका बड़ा हो तो आप बड़ा सा पिज़्ज़ा बनाना, ठीक है। ये चला गया, इस पर इसी तरह से थोड़ी सी हमने चीज़ लगाई, उसी तरह से चिकन लगाया, ऑलिव मशरूम्स लगाए इस तरह से और अपनी वेजेस। अच्छा ये मैं आपको बता रहा, भूली गई कि चिकन को आपने अपनी मर्ज़ी के मसाले लगाएं, गार्लिक जिंजर पेस्ट लगाएं, ग्रीन चिली लगाएं, और इसको मैंने फ्राई कर लिया बोनलेस चिकन लेके, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये जो हमने सैंडविच बनाए थे ये इस तरह से इसको बीच में रख देते हैं ऐसे। ये देखें, इस तरह से पैन में रख के आपने इसको कवर कर देना और बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है, बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। मकसद ये है कि हमारी जो चीज़ है वो मेल्ट हो जाए। जितनी देर में हमारा पैन वाला सैंडविच पिज़्ज़ा बन रहा है उतनी देर में हम ऐसे करते हैं, इसको ओवन में रख देते हैं, ठीक है, और ओवन को कर देते हैं। एक मिनट के लिए इसको चलाएंगे बस। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने ओवन में रखा था, इसको देखें, चीज़ मेल्ट करनी थी बस, बाकी जो सब कुछ तैयार था ये भी हो गया, और इसको हमने पैन में बनाया था ये भी तैयार हो गया। चलिए अब इसकी कटिंग, पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो चुका है, बिल्कुल देख लें, आपको कोई कमी नहीं नज़र आ रही होगी। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।